हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही देने चाहिए फ्रेंड्स क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है और डेली जो आपकी किचन से निकलता है आप उससे फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं सब्जी के छिलके फलों के छिलके और फ्रेंड्स बहुत तरह के हमारे मसाले हैं उनसे भी हम फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट्स को दे सकते हैं और उससे हमारे प्लांट को कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे आप उनको किसी भी प्लांट में दीजिए पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं नेचुरल होते हैं तो आज भी एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स किचन में निकलने वाली सब्जियों के छिलके ये आप डेली के भी बना सकते हैं और नहीं तो दो तीन दिन के इकट्ठे करके भी आप छिलके ज़्यादा भिगो सकते हैं बाल्टी में तो मैंने ये एक ही दिन के लिए हैं मेरे मटर के छिलके हैं मूली के छिलके हैं और फ्रेंड्स इसमें प्याज के छिलके हैं और चुकंदर है लहसुन है अदरक है मैंने जितने भी मेरे आज सब्जी निकले हैं फ्रेंड छिलके वो मैंने इसमें इकट्ठे किए हैं इसमें खीरा भी है मूली भी, भी है और मूली के छिलके भी हैं और मूली के स्किन भी है जो मिली मूली की होती है और पत्ते भी हैं तो फ्रेंड्स और ये चुकंदर है तो ये सारे छिलके मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसमें मैं भिगो कर रखूँगी इसको 48 घंटे के लिए विंटर के टाइम पे आप दो तीन दिन तीन चार दिन के लिए भी इनको भिगो कर रख सकते हैं और ये देखिए ये अभी से ही फ्रेंड्स चुकंदर का कलर भी इसमें आ गया है और इन सारे छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में सारी न्यूट्रिशंस हैं इनमें इसमें फ्रेंड्स पोटाशियम आयरन मैग्नीशियम आलू भी है इसमें मटर मटर में नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम गाजर है फ्रेंड्स इसमें विटामिन ए भी होता है गाजर में मिनरल्स हैं आयरन है जिंक है और खीरे में नाइट्रोजन आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम मतलब इसमें सारे ही न्यूट्रिशंस हैं फ्रेंड्स और मूली और शलजम के भी छिलके हैं तो उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम नाइन्टी कैल्शियम होता है फ्रेंड्स और विटामिन सी भी होता है तो ये सारे ही छिलके जितने मैंने मिलाए हैं इनमें बहुत अच्छी मात्रा में हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सारे ही मिनरल्स विटामिन्स हैं तो इसको 48 घंटे मैंने छोड़ा था फ्रेंड्स ये देखिए तैयार है फर्टिलाइज़र और कलर देखिए फ्रेंड्स ये चुकंदर की वजह से इतना अच्छा कलर आया है और प्याज के छिलके भी थे तो उन दोनों का कलर बहुत ही अच्छा आता है फ़र्टिलाइज़र में ये देखिए मैं इसको छानूंगी फ्रेंड्स छान कर ही आपको अपने प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र देना है क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़े जो पार्ट्स होते हैं सब्जी या के छिलके तो ये अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो फिर फंगस भी लग सकती है हमारे प्लांट तो फ्रेंड्स जो ये बचा है इसमें मैं और पानी डाल करके रख दूँगी चौबीस घंटे के लिए और चौबीस घंटे बाद इसको मैं दूसरे प्लांट्स में यूज़ करूँगी और ये जो एक लीटर मेरा फ़र्टिलाइज़र निकला है इसको देना कैसे है फ्रेंड्स इसमें बहुत अच्छी मात्रा में सारे न्यूट्रिशंस हैं जैसे जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट है और आप इसको कैसे यूज़ करना है एक भाग मैंने फर्टिलाइज़र लिया है और इसमें एक भाग ही मैं पानी मिलाऊंगी ऐसे ही आपको देना है क्वांटिटी फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि ऐसे ही आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है इसको डाइल्यूट करके ही देना है तो मैंने एक भाग से थोड़ा ज़्यादा ही पानी लिया है तो आप दो भाग भी ले सकते हैं और अपने प्लांट में प्लांट के हिसाब से पॉट के हिसाब से फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स अब मैं इस आप इसको गुड़हल मोगरा गुलाब पत्तियों वाले सब्जी वाले फलों वाले जो भी प्लांट हैं आपके आप किसी भी प्लांट में इसको डालिए हर प्लांट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी इससे फ्रेंड्स और आपके प्लांट फ्रूटिंग भी करेंगे फ्लावरिंग भी करेंगे और अभी तो विंटर है फ्रेंड्स मैं अभी इसको आ, किसी भी टाइम दिन में बना लेती हूँ क्योंकि तेज़ धूप नहीं है बहुत ही अच्छी हल्की हल्की धूप है तो अभी फ्रेंड्स टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है नौ दस बजे हैं और मेरी बालकनी में देखिए धूप बहुत अच्छी आ जाती है तो जहाँ भी धूप आपको प्लांट में मिलेगी जिस जिस प्लांट को धूप मिलेगी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं ये देखिए मेरा मिर्च का प्लांट है बहुत ही हेल्दी प्लांट है तीन प्लांट हैं फ्रेंड्स और तीनों ही पे ही फ्रूटिंग हो रही है और ये मेरा अपराजिता का प्लांट है अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है तो मैं इसमें भी इसको डाल दूँगी फ्रेंड्स और ये आप ज़्यादातर हर प्लांट में दे सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्लांट में इसको नहीं देना है आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट में दीजिए या फिर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है आप सब्जियों के छिलके किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं और आप इसमें फ्रेंड्स वुड ऐश या हल्दी भी मिला सकते हैं उससे अगर आपको लगे कि फंगस लगेगी ऐसा नहीं है लगेगी नहीं लेकिन आप फिर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं नहीं तो ऊपर आप ऐसे ही फ्रेंड्स मिट्टी पे एक चम्मच हल्दी बाद में डाल सकते हैं या वुड ऐश भी डाल सकते हैं उससे आपके प्लांट में मिट्टी में कुछ भी फंगस वगैरह नहीं लगेगी तो ये देखिए मैं सारे ही प्लांट्स में इसको दे दिया है फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा और जो बाकी बचा है वो मैं दूसरे प्लांट्स में दूंगी तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ये फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट्स को ज़रूर दीजिए क्योंकि छिलकों को वेस्ट फेंकने से अच्छा है कि अपने प्लांट्स में उसको फर्टिलाइज़र के रूप में आप दे सकते हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स